हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो आज की वीडियो में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आप अपने डिवाइस में यहाँ पे ये जो हाइपर ओएस वाले आइकन्स हैं उन्हें कैसे इनेबल कर सकते हो, जो कि आप चेक कर सकते हो। आपको ऑल न्यू आइकन्स देखने को मिलेंगे जो कि हाइपर ओएस के हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, काफ़ी अमेजिंग आइकन्स हैं। और साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी चार्जिंग एनिमेशन आपको कैसी देखने को मिलती है। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि जो आपका डिवाइस है वो यहाँ पे हाइपर ओएस के लिए एलिजिबल है या नहीं। सो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को आप एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यहां से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको हाइपर ओएस के आइकन्स को कैसे इनेबल करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको एक MTZ फाइल का लिंक मिलेगा, उसे जाके डाउनलोड कर लेना है, जो कि आपको कुछ ऐसे यहाँ पे देखने को मिलेगी hyperos.mtz। इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर डिस्क्रिप्शन वाला लिंक वर्क नहीं करता है तो आपको डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाके चैनल का नेम सर्च करना है और आपको वहाँ पे ये फाइल देखने को मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा। इसे डाउनलोड करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से आ जाना है बैक। आने के बाद अब आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर पे आइएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको ऊपर सर्च बार में MTZ टेस्टर जो एप्लीकेशन देखने को मिलती है इसे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद अब आपको क्या करना है, MTZ टेस्टर को यहां से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस यहां पे देखने को मिलेगा। अब आपको यहां पे सिलेक्ट एंड अप्लाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है इस हाइपर ओएस जो MTZ फाइल आपने डाउनलोड किया है उसे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 लाइंस पे क्लिक करके अपने डिवाइस को सिलेक्ट करके यहाँ पे जो भी फोल्डर में आपने पेस्ट की होगी उसमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आपको ये देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, जो कि आप चेक कर सकते हो। सो यहाँ पे ये अप्लाई हो चुकी है। अब आप देखोगे आपको यहाँ पे जो हाइपर ओएस का वॉलपेपर भी देखने को मिल जाएगा और साथ में आपको यहाँ पे जो हाइपर ओएस वाले आइकन्स भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो आप देखोगे आपको यहाँ पे ऑल न्यू हाइपर ओएस वाले आइकन्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अमेजिंग लुकिंग के साथ आपको देखने को मिलते हैं। आप चेक कर सकते हो, हर आइकन यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलेगा। जैसे देख सकते हो सेटिंग्स का आइकन, म्यूजिक का आइकन, फाइल मैनेजर, नोट्स एप्लीकेशन, और आपको ये जो एनिमेशन है वो भी थोड़ी सी इनहेंस देखने को मिलेंगी। जैसे मैं गैलरी को ओपन करता हूँ तो आप देखोगे आपको यहाँ पे एक बाउंसी सा इफेक्ट देखने को मिलता है। पहले आप देखोगे एनिमेशन यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो है नीचे जाके ऊपर एनिमेशन आती है जो कि काफ़ी अमेजिंग आपको देखने को मिलती है। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे आपको जो डिफॉल्ट ऐप्स हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, डिफॉल्ट ऐप्स इसके, उसमें आपको ऐसी एनिमेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। काफी अमेजिंग आपको ये देखने को मिल जाते हैं। बट ये आइकन्स आपके कुछ टाइम के बाद यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे क्योंकि हमने MTZ थीम यूज की है, तो परमानेंटली वो तो अप्लाई होती नहीं है। मैक्स यहाँ पे 2.5 आवर्स के बाद वो रिमूव हो जाती है। सो यहाँ पे इसकी जो थीम है वो जल्दी थीम स्टोर पे आने वाली है। आज यहाँ पे अपलोड करेंगे इसके जो क्रिएटर हैं थीम के, वो यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं इसे थीम स्टोर पे। उन्होंने खुद ही यहाँ पे न्यूज़ शेयर की है, तो थीम स्टोर पे जैसे ही वो आती है मैं उसके लिए भी आपको वीडियो बना दूंगा। तो आपको चैनल पे बने रहना है। अभी के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो, जो कि आप देख सकते हो आपको बिल्कुल जो हाइपर ओएस वाले आइकन्स देखने को मिलते हैं वही यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसकी चार्जिंग एनिमेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी अमेजिंग आपको देखने को मिलती है होम स्क्रीन पे। हाइपर ओएस में आपको ये देखने को मिलेगी, काफ़ी अमेजिंग एनिमेशन है जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको ऐसी एनिमेशन देखने को मिल जाती है। तो अभी मेरे पास ये वीडियो ही है, मैंने अभी अपने डिवाइस में भी इसे इनेबल नहीं किया है। होपफुली ये आपको जो थीम के साथ जो थीम आएगी अभी थीम स्टोर पे उसमें आपको होपफुली ये देखने को मिल जाएगी चार्जिंग एनिमेशन। कुछ कंफर्मेशन नहीं है बट उस थीम में आपको ये आइकन्स वॉलपेपर जरूर देखने को मिलेंगे। चार्जिंग एनिमेशन की अभी मेरे को कंफर्मेशन नहीं है, सो आप चैनल पे बने रहिएगा। जैसे वो थीम आती है उस पे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। अगर आप करना चाहते हो अपने डिवाइस की एलिजिबिलिटी चेक कि आपके डिवाइस को यहाँ पे हाइपर ओएस देखने को मिलेगा कि नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर पे यहाँ पे आ जाना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना होगा हाइपर ओएस अपडेटर लिख के सर्च कीजिएगा। तो आप देखोगे आपको यहाँ पे ये एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। ये जो एप्लीकेशन जैसे MIUI डाउनलोडर एप्लीकेशन थी वैसे आपको ये हाइपर ओएस अपडेटर देखने को मिलती है। इसे डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसे यहाँ से ओपन कर लेना है। तो जैसे ही ओपन करोगे आपको यहाँ पे बता देगा कि आपका डिवाइस यहाँ पे जो एलिजिबल है कि नहीं, तो आपके डिवाइस को पहले ये स्कैन कर लेगा। उसके बाद आप देखोगे आपके डिवाइस को यहाँ पे बता देगा कि ये एलिजिबल है कि नहीं। तो आप देखोगे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये जो मेरा डिवाइस है वो रेडमी नोट 10S है, इसको यहाँ पे हाइपर ओएस अपडेट देखने को मिलेगा, पर जो एंड्रॉइड 14 अपडेट है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो आप ऐसे एलिजिबिलिटी को भी चेक कर सकते हो। जो ये है Xiaomi UI की तरफ से प्रोवाइड किया गया एप्लीकेशन है, जैसे पहले MIUI डाउनलोडर थी, अब यहाँ पे हाइपर ओएस अपडेटर इन्होंने यहाँ पे जो है लॉन्च किया एप्लीकेशन अपनी, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ये बता देगी ऐसे। सो आप इसे चेक कर सकते हो एलिजिबिलिटी को। इनकी 99% जो न्यूज है वो एक्यूरेट ही होती है। सो आप अभी जाके इसे चेक कर लीजिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ Xiaomi हाइपर ओएस की लॉन्च डेट के बारे में, तो यहाँ पे अभी उसकी कंफर्मेशन नहीं है, बट ये कंफर्मेशन है कि अक्टूबर मंथ के एंड में
देखने को मिलेगा, यानी इसी मंथ के एंड में ये लॉन्च हो जाएगा, जो कि Xiaomi 14 सीरीज के साथ लॉन्च होने वाला है। यहाँ पे इसकी कंफर्मेशन तो आ चुकी है, बट जो इसकी डेट की कंफर्मेशन है उसके बारे में अभी रूमर्स ही चल रहे हैं, कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। जैसे कि यहाँ पे दो डेट्स निकल के आ रही हैं, जो कि आप देख सकते हो, पहली डेट यहाँ पे निकल के आई है जो 31 आपको अक्टूबर देखने को मिलती है। आप यहाँ पे चेक करोगे आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाता है 31, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर की थी, आप चेक कर सकते हो। दूसरी जो डेट है वो यहाँ पे निकल के आ रही है 27 अक्टूबर आपको देखने को मिल जाती है, 26 से 27 जो कि आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे 26 लिखा हुआ आपको देखने को मिलता है। सो ये दो डेट्स यहाँ पे निकल के आ रही हैं, सो ये अभी रूमर्स हैं, कुछ कंफर्मेशन नहीं है इनमें। सो जैसे कोई कंफर्मेशन आती है मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।